गाइस वेलकम टू केबी फिटनेशन। आज मैं आपको तीन चीज़ें बताऊंगा जो आपकी बॉडी को बिल्ड करने में बहुत हेल्पफुल होंगी। पहली चीज़ हमारी एक्सरसाइज, दूसरी चीज़ है न्यूट्रिशन और तीसरी चीज़ है हमारा रेस्ट। तीन चीज़ों के कॉम्बिनेशन से आपको बॉडी बिल्ड करने में हेल्प होगी। पहली चीज़ थी हमारी एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज किस टाइप से करनी है? हमें एक्सरसाइज वीक में 6 डेज एक्सरसाइज करनी है अपने रेगुलर शेड्यूल के हिसाब से। लेकिन हमारा वर्कआउट जो है 40 मिनट से 60 मिनट के बीच में ख़त्म हो जाना चाहिए। मिनिमम 40 मिनट और मैक्सिमम 60 मिनट। अब जैसे हमारी छोटी मसल है, बाइसेप्स हो गई और ट्राइसेप्स हो गई, तो इस मसल्स को हमें 3-4 एक्सरसाइज हमारे छोटी मसल्स के लिए काफ़ी है। अगर इससे ज़्यादा आप करोगे तो फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान होगा उल्टा। और बड़ी मसल है जैसे चेस्ट है, हमारा बैक है या फिर थाइज है, उनको आप 5-6 एक्सरसाइज करोगे और 50-60 मिनट का आपका उनका वर्कआउट होगा। और दूसरी चीज़ अब हमारी आती है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन हमारी बॉडी बिल्डिंग में बहुत हेल्प करता है। 60-70% जो होता है हमारा न्यूट्रिशन होता है, बाकी 20-30% ऑलमोस्ट एक्सरसाइज होती है, बाकी 10% होता है हमारा रेस्ट। तो न्यूट्रिशन में आपको तीन चीज़ें लेनी है, प्रोटीन, कार्ब्स और फैट। ये तीनों चीज़ आप इनटेक करोगे, आप जब खाओगे तो आपकी बॉडी ग्रोथ होने लगेगी, बॉडी बिल्ड होने लगेगी। क्या है जिम जाने से पहले? अब जिम जाने से पहले आप 40 मिनट पहले एक दही में उबला हुआ आलू डाल के खा लो, जिससे कि आपको एनर्जी मिलेगी। और अगर जिम जाने से 15 मिनट पहले ब्लैक कॉफ़ी आप पी के चले जाओ, जिससे आपको जिम में क्या है हेल्प मिलेगी, वर्कआउट करते टाइम एनर्जी पूरी रहेगी आपके अंदर। अब जिम से आने के बाद आपको क्या खाना है? जिम से आके आपको, अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप पनीर खा लो, 100-150 ग्राम पनीर खा लो, काफ़ी है, बॉडी आपकी रिकवर हो जाएगी उतने में। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो भाई बेस्ट है आपके लिए, चिकन खा लो, अपना बॉयल्ड एग खा लो, तो आप ये क्या है अपनी रिकवरी के लिए ले सकते हो। अब उसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट आता है क्या? रेस्ट। रेस्ट, अब रेस्ट आपको कितनी देर करना है? मिनिमम आपको 6-7 घंटे की नींद आपको चाहिए ही चाहिए, आपको इतना लेना है अगर आपको बॉडी ग्रोथ करनी है, बॉडी को आपको मसल्स को अपनी को रिकवर करना है तो। क्योंकि 6-7 घंटे अगर आप नहीं सोगे तो ना आपके ब्रेन को रेस्ट मिलेगा, ना आपकी बॉडी को रिकवरी का टाइम मिलेगा। अगर बॉडी की रिकवरी चाहते हो, बॉडी को रिलैक्स करना है, तो आपको इतना टाइम देना पड़ेगा। यू गाइज, अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना।